अच्छा कामयाब ऑपरेशन जहां पर हुआ है, जिसमें वो तीन दहशतगर्द मारे गए हैं जो बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल थे। इसमें हमारे एक जवान की शहादत भी हुई है, आरआर के जवान की, जिसको हम अपनी तरफ से सल्यूट पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ऑपरेशन पुलिस, आर्मी, सीआरपी ने मिलकर किया और बहुत कामयाब ऑपरेशन था इस लिहाज से कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा जो कमांडर इसमें मारा गया हिजबुल मुजाहिदीन का, आदल हफीज़, ये बड़े लंबे अरसे से आतंकी कार्रवाइयों में दहशतगर्दी में शामिल था। फिर दो मारे गए, अरशद और रूफ, एक राजपुरा का और दूसरा मशपुरा पुलवामा का। ये दो इसके साथी थे, इसी ने उनको आतंकी बनाया था और अपने साथ इनको आतंकी बना करके चला रहा था। बहुत लंबा अरसा पहले ज्वाइन नहीं किए थे, मगर जब से ज्वाइन किए थे तब से लेकर के वो भी आतंकी कार्रवाइयों में शामिल इसके साथ हो चुके थे। जो बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इनके नाम पर रिकॉर्ड पर हैं, उसके अलावा भी हो सकती हैं, उसमें एक तो इन्होंने प्रिचू में 22 मई को अटैक किया था हमारे नाके पर, जिसमें हेड कांस्टेबल अनूप सिंह शहीद हुआ था। आज अभी आपने देखा होगा उनका फैमिली जहां पर हमें मिलने के लिए आया है, और उसकी शहादत हुई थी। इसके अलावा रिक्रूटमेंट इसने इस हद तक करी थी कि अभी ये सिलसिला इसका थमा नहीं था। अभी ये लड़के जो नए इसके साथ चल रहे थे तंकी बन के, वो भी इसके अपने ही रिक्रूट किए हुए थे। दो ग्रेनेड इसने हाल ही में जहां शहर के अंदर दागे थे, और एक तो पुलिस स्टेशन पुलवामा में 15 फरवरी को, और दूसरा यहीं पर शहर के अंदर ही 2 मई को इसने जो ग्रेनेड डाला था फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के ऊपर। सो इस तरह की बहुत सारी कार्रवाइयों में ये शामिल था। इसके मारे जाने से जो काफ़ी हद तक जो वो भी एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था जो पुलिस, आर्मी, सीआरपी सब ने मिलकर के किया था। उस ऑपरेशन का जो सरगुना मिलिटेंट सबसे ऊपर जो था वो शकूर परे था। शकूर परे 2016 में आतंकी बना था, पहले एसपीओ होता था, फिर पुलिस में कन्वर्ट हुआ, और उसी टाइम 16 के दौरान ही दिसंबर के आसपास हमारे डिप्टी एसपी अरशाद के ऊपर हमला हुआ था, और उसके बाद जनवरी के महीने में ये 4 हथियार लेके गैप हो गया था। तब से लेकर के अलग अलग तंजीमों में काम करता रहा, अलग अलग मिलिटेंट आउटफिट्स बना। भट्ट है ये भी नया लड़का था जिसने सरेंडर कर दिया और सही सलामत है, अपने पास है, और जो कानूनी कार्रवाई है वो तो की जाएगी, मगर इसने अच्छा काम किया कि इसने अपनी जान बचाई, इसने हाथ खड़े किए, फोर्सेस के सामने सरेंडर की अपील करी, फोर्सेस ने इसका सरेंडर लिया है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि कोई अगर गलत रास्ते पे चल के वापस लौटने की कोशिश करता है, हम सब फोर्सेस की तरफ से उसको मौका देना चाहते हैं। इसके साथ किसी भी तरह का मिसकंडक्ट नहीं होगा, इसके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेवियर किसी लेवल पे भी उसके अलावा नहीं किया जाएगा, और इसको अच्छे तरीके से रखेंगे, मगर कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो ज़रूर की जाएगी। वो मुबारक देता हूँ जिनके बच्चे इसकी वजह से आतंकी बनने से बच गए। मैं सुहेब भट्ट को भी मुबारक देता हूँ और उसके माँ बाप को मुबारक देता हूँ कि एक मुश्किल हालात के अंदर भी जब फायरिंग चल रही थी, एनकाउंटर चल रहा था, इस बच्चे ने हौसला किया और अपने आप को वापस बचाने की, जिंदा रखने की कोशिश करी। हम इस बात की तारीफ़ करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस तरीके से जिन बच्चों को वर्गलाया जा रहा है, गलत रास्ते पे चलाया जा रहा है, वो वापस लौटने का रास्ता अख्तियार करेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप को उनकी ज़रूरत है, उनको भी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत है, समाज को उनकी ज़रूरत है। तो हम लोग इंसिडेंट में कुछ हटके हुआ, मैं वहाँ जो हमारा यूनिट है आर्मी का, हमारे जो बाकी फोर्सेस के लोग, पुलिस के लोग, उनको भी मुबारक देता हूँ कि उन्होंने बड़े सब्र से काम लिया। चलती हुई गोली में किसी की जान बचाना, अगर कोई सरेंडर करता है, ये स्वाब का काम है, ये अच्छा काम है और ये बहुत नेक काम है जो किया है, और हम चाहते हैं कि बच्चे इस तरह से और ज़्यादा इनकर्ज होंगे।